ओके प्लीज साइलेंस। स्टार्ट करते हैं अभी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का जो चैप्टर है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कंपटीशन के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली प्रॉपर्टीज और मैटर में दो क्वेश्चन आएंगे नॉन मेडिकल वालों को। एक आएगा इलास्टिसिटी या प्रेशर या फिर फ्लूइड फ्लो, इनमें से एक, और दूसरा पक्का आएगा सरफेस टेंशन। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दूसरी चीज, मेडिकल वालों को गारंटेड आएगा सरफेस टेंशन, उनको तो मतलब चांस ही नहीं है कि ना आए। तो उनको तो आज हम जो करेंगे उसमें से मोस्ट प्रॉबली ड्रॉप्स वाला क्वेश्चन आता है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं, तीन लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर में। से पता लग रहा है कि इस चैप्टर में थोड़ा सा कुछ ऐसा होगा जो तीन लेक्चर कंज्यूम करेगा, और आज एनसीईआरटी लेवल होगा, अगली बार भी एनसीईआरटी लेवल क्लोज करेंगे, उसके अगली बार फिर एक गो में सारे मेंस के और जो भी क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन के सारे कर देंगे। ठीक, तो दो फेज में होगा। तो आज फर्स्ट फेज है सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड, अगर कोई भी लिक्विड रेस्ट, अगर कोई भी लिक्विड नहीं कर रहा, प्लीज ये है कि पानी फ्लो कर रहा है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो उसके जो सरफेस एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करते हैं, मतलब सरफेस एरिया कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, छोटा होने की कोशिश करता है। किसी लिक्विड में ये प्रॉपर्टी ज्यादा है और किसी में कम है। जिस लिक्विड में सरफेस एरिया को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है हम बोलते हैं उसकी सरफेस टेंशन ज्यादा है, और जिसमें कम है उसकी सरफेस टेंशन कम है, और जिसमें है ही नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करता, टेंशन है ही नहीं। पर क्वेश्चन ये अराइज होता है, ऐसा होता क्यों है, ऐसा वो क्यों करेगा? ठीक, इसको एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, तो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले ये रीजन ढूंढने से पहले हम ये देखते हैं कि एग्जैक्टली कितने टाइप की फोर्सेस हैं। सारी गेम है तो फोर्स की, तो कितने टाइप की फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं में, और फिर इसका रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सरफेस एरिया लिक्विड आपका छोटा क्यों करता है। तो ये चैप्टर स्टार्ट है विद द फोर्स ऑफ कोहेजन एंड एडहेजन। कोहेजन का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। पानी और पानी की फोर्स इंट्रा मॉलिक्यूलर है या कोहेजन है, पानी और कंटेनर की फोर्स इंट्रा मॉलिक्यूल है या फिर एडहेजन है। एडहेजन का मतलब दो अलग अलग सब्सटेंस के एटम्स, कोहेजन का मतलब दो सेम सब्सटेंस के एटम्स। ठीक हो गया, दो तरीके की फोर्सेस हैं, दो तरीके की फोर्सेस हैं। उसके बाद सरफेस टेंशन को डिफाइन किया गया। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट बिहेव्स लाइक एन इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो एक कोई भी पानी की सरफेस या लिक्विड की सरफेस एक्ट करेगी एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह, खिंची हुई मेम्ब्रेन की तरह, और बिहेव इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन विद अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कई लोग कह रहे थे सर एक तरफ वो कह रहे हैं स्ट्रेच हो गया और एक तरफ कह रहा है कि एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। नहीं, वो स्ट्रेच वर्ड इसलिए नहीं कह रहा कि एरिया बढ़ गया, वो ये कहना चाहता है कि एक बहुत ही पतली सरफेस, जब हम एक किसी चीज को स्ट्रेच कर देते हैं बहुत पतला हो जाता है, तो एक बहुत पतली सरफेस, एक ऐसी खिंची हुई सरफेस जैसे बहुत ही पतला मेम्ब्रेन है, ऐसे एक्ट करेगा एक लिक्विड का सरफेस जो अपने एरिया को कम करता है। मतलब वो लगेगा जैसे खिंचा हुआ है लेकिन एक्चुअल में सरफेस एरिया हमेशा क्या करने की कोशिश करता है, मिनिमम। ये प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऐसा क्यों होता है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सरफेस टेंशन एग्जिस्ट क्यों करती है, इसका पहला रीजन बताया गया है। सरफेस टेंशन एग्जिस्ट होने का रीजन ये है, मान लो एक पानी की सरफेस है, पानी की सरफेस के ऊपर
ये कंटेनर है और ये इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे है, कुछ भी मूव नहीं कर रहा। इस सरफेस के ऊपर आपने एक इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ कर ली, इमेजिनरी करनी नहीं है, इमेजिन करो कुछ सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिया आपने, वो सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां से यहां तक ले लिया आपने, जितनी लंबी लाइन लोगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें ज्यादा देखोगे, मतलब उस लाइन के क्रॉस लेफ्ट और राइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। लाइन छोटी होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल छोटे होंगे, लाइन लंबी होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दो एक लाइन के लेफ्ट और राइट पर जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, और क्या लगा रहे हैं खींचते हुए, फोर्स लगा रहे हैं, और वो फोर्स किस पे डिपेंडेंट है, जितनी लंबी वो लाइन है, क्योंकि जितनी लंबी लाइन होगी उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा फोर्स होगी उनके बीच में, और डिपेंड करेगा कि वो मॉलिक्यूल्स किस सब लिक्विड के हैं, अलग अलग लिक्विड के अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे और उनकी अपनी अपनी नेचर होगी, सबकी नेचर एक ऐसी नहीं होती, तो ये जो फोर्स है उनकी नेचर पे डिपेंड करेगी और लेंथ पे डिपेंड करेगी। इस नेचर को बोलते हैं सरफेस टेंशन, कि कोई फोर्स ज्यादा लगाएगा और कोई फोर्स कम लगाएगा, हम देखेंगे इसको आगे और डिटेल में। तो एक यानी कि लिक्विड के ऊपर डिपेंड करेगी और उसको हमने कॉन्स्टेंट से रिप्रेजेंट किया, तो ये कांस्टेंट यानी कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या बन के आ गया, दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो सरफेस टेंशन का पहला फॉर्मूला क्या बन गया कि किसी भी लिक्विड की जो सरफेस है, कोई भी लिक्विड की सरफेस है उसमें कोई भी इमेजिनरी लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है, और उसमें मॉलिक्यूल में आपस में जो फोर्स है और कितनी लेंथ के ऊपर फोर्स लग रही है उसकी रेशियो को सरफेस टेंशन बोलेंगे। पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन समझ में आ गई, फोर्स प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और सारा कुछ आपके बुकलेट में है, प्लीज अपनी बुकलेट ओपन कर सकते हो, आज कोई शीट नहीं है, सारा कुछ बुकलेट में से मिलेगा, तो एनसीईआरटी का ही है क्योंकि आज। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एफ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एल, और सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई एल। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है कि इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो इतनी फोर्स होगी ही होगी, राइट? तो पहला फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया, ठीक। दूसरा, सरफेस टेंशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं पहले इसको चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ये बुकलेट के अंदर नहीं है, ये जब वैसे ही आपने दो मिनट सुनना है और लिखने की भी जरूरत नहीं है, बुकलेट में है पर किसी और फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं उस पॉइंट के ऊपर आता हूँ, पर मैंने थोड़ा लंबा लिखा हुआ है तो कुछ भी नहीं है, ये आएगा भी नहीं पेपर में, सिर्फ एक्सपेरिमेंट है। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आपको ये बताएगा कि जो लिक्विड है और जो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी लिक्विड के सरफेस एरिया को कॉन्ट्रैक्ट कम करने की कोशिश करती है। मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने कहा कि अगर एक लिक्विड की सरफेस है, लिक्विड की सरफेस अपने सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करेगी, यानी कि लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा हम बोलते हैं सरफेस टेंशन उतनी ज्यादा है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि वाकई में हमें कैसे पता लगा कि लिक्विड सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करता है, कोई तो ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ होगा जो लोगों के नजरों में आया होगा और लोगों को पता उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि हाँ सच में लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होता है। उनमें से पहला एक्सपेरिमेंट है ये, आपने एक एक सपोज करो, मैं यहां से शुरू करता हूं। सपोज आपने एक रिंग ले लिया, एक रिंग समझते हो, जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे वो छोटे बच्चे बबल्स फुलाते हैं, वो मिलता है सर्फ का पानी उसमें बस मार्केट में, तो वो एयर ब्लो करते हैं बबल निकलते हैं, वो एक रिंग के ऊपर ऐसा रिंग बना होता है, ये वो एक रिंग है। रिंग के ऊपर आपने उसको डुबो दिया सोप के फिल्म में, तो यहाँ सोप सोप ही सोप हो गया, फिल्म आ गई सोप की। तो आपने क्या किया, इस सोप की फिल्म में, राइट, इस सोप की फिल्म बनी हुई थी, इसके ऊपर एक वेट गीला धागा इसके ऊपर डाल दिया, राउंड धागा है ये, इसके ऊपर रख दिया, ये बंद है राउंड है पूरा, इसके ऊपर रख दिया। गीला इसलिए बोला क्योंकि देखो अगर ये वेट है तो ये गीला होगा, वेट है और ये भी पानी का बना हुआ सोप, जो सोप है पानी में घोलते हो ऑब्वियसली, तो ये भी वाटर है ये भी वाटर है, तो ऐसा कोई गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सॉलिड होगा तो प्रोबेबिलिटी कि वो फट जाएगा, क्योंकि फोर्सेस चेंज हो गई ना, सॉलिड और लिक्विड में फोर्स डिफरेंट हो जाती है, तो दोनों पे अगर पानी लगा होगा, धागे पे पानी लगा के रखोगे, सॉफ्टली प्लेस करोगे तो फटेगा नहीं, बस और कोई रीजन नहीं है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो मान लो आपने इसके ऊपर एक थ्रेड रख दिया, रख दिया, यहाँ भी सोप की फिल्म है, यहाँ भी सोप की फिल्म है, इसके ऊपर रखा गया, आपने एक निडल लेना है, प्रिक कर दो, होल कर दो, यहाँ से आपने ये वाला सोप का बबल जो बीच में था या ये जो फिल्म थी ये फट गई,
गया यहाँ से, अब साउथ की फिल्म सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में रह गई, बस थोड़ी देर में देखोगे ये ऐसा हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। अब ये कैसे हो गया? इसका मतलब अंदर मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं, अदरवाइज धागा राउंड कैसे हो सकता था? और कैसे लगा रहे हैं? वो इस तरीके से खींच रहे हैं, पानी देखो, पानी के मॉलिक्यूल इसके साथ साथ चिपके हुए हैं और बाकी पानी के मॉलिक्यूल इसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज या कोहेसिव फोर्सेज जैसे आपने डिस्कस किया, तो वो खींच रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब हर तरफ से फोर्स लगेगी तो शेप सिमेट्री में बन जाएगी और सर्कल में बन गई, और सर्कल में ऐसे बनी कि ये जो बचा हुआ सरफेस एरिया है ये मिनिमम होने की कोशिश कर रहा है, कम होने की, जहां से ज्यादा दिख रहा है वहां से कम हो रहा है, जहां ज्यादा दिख रहा है कम होता जा रहा है। तो बेसिकली ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें लोगों को दिखा कि सोप की फिल्म अपने एरिया को मिनिमम करने की कोशिश कर रही है ताकि एरिया मिनिमम हो जाए। ये एक एक्सपेरिमेंट है, मतलब इसमें कोई थ्योरी भी नहीं है, इसमें ये भी नहीं है कि ऐसा होगा, लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और उनको ऐसा दिखा कि ऐसा होता है। इसका मतलब पक्की बात है कि कोई भी सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी सरफेस एरिया को हमेशा मिनिमम करने की ही कोशिश करती है। एक और एक्सपेरिमेंट लोगों ने किया, एक और एक्सपेरिमेंट, फिर दोनों में डिस्कशन कर लेंगे। तो किसी ने क्या किया, अब फ्रेम ले लिया, एक ये फ्रेम है, लोहे का फ्रेम है, फिक्स फ्रेम है, और यहाँ पर एक स्लाइडर है, ये स्लाइडर ऊपर नीचे मूव कर सकता है, कोई मास नहीं है इसका, फ्रिक्शनलेस है, राइट, बहुत आसानी से मूव भी कर सकता है, ना के बराबर मास है। सो फिल्म रख दिया आपने, आपने ये देखा थोड़ी देर में, ये वेट नहीं लगाया आपने, ये स्लाइडर ऊपर उठना शुरू हो गया, ये स्लाइडर ऊपर उठना शुरू हो गया। अब क्यों? क्योंकि सोप की फिल्म अपने एरिया को कम कर रही है। एक्सपेरिमेंट है, देखो हमने कुछ, अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ, हम तो बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं कि बिहेवियर है क्या किसी भी लिक्विड की सरफेस का, और बिहेवियर ये है, ये तो मूव नहीं कर सकता था, ये स्लाइडर ऊपर उठ गया। अगर आप चाहते हो कि ये ऊपर बहुत ज्यादा ना जाए तो आपको नीचे से क्या लगाना पड़ा, एक वेट, आपने कम से कम इतना वेट लगा दिया कि ये ऊपर उठना बंद हो गया। तो किसी ने पूछा कि पानी के मॉलिक्यूल ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हैं, जितना नीचे क्या लगा हुआ है, वेट, तो जितना डब्ल्यू आपने लगाया उतनी ही पानी के मॉलिक्यूल ऊपर क्या लगा रहे होंगे, फोर्स। तो हम ऐसे फोर्स तो निकाल नहीं सकते कितने लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, पर अपने वेट के हेल्प से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अंदर टोटल फोर्स क्या लग रही होगी। और पानी के मॉलिक्यूल यहां के पानी के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ऑब्वियसली वो ऊपर 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 खींच जा रहे हैं, जिस वजह से स्लाइडर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। पूछो। स्लाइडर वाले एग्जाम्पल में ज्यादा दिख रहा है कि एरिया सच में कम ही हो रहा है, अगर स्लाइडर नीचे आता फिर मैं कहता कि एरिया बढ़ रहा है, तो फिल्म का एरिया कम हो रहा है। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स मतलब हमें दिख रहे हैं जिससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि सच में कोई भी लिक्विड की जो सरफेस है वो अपने एरिया को कम ही करती है, कभी बढ़ाती नहीं है, यही प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन की। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? सो एक तो ये एग्जाम्पल है, दूसरा इसमें ये लिखा हुआ है कि होता क्या है कि इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर या कोहेसिव और एडहेसिव की अगर हम बात करें, तो इसमें ये बताया गया है कि सपोज करो आपके पास ये, जैसे एग्जांपल है, ये कंटेनर है, राइट, इस कंटेनर में कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के अंदर हैं और कुछ सरफेस के ऊपर हैं। जो तो मॉलिक्यूल एग्जैक्टली पानी के अंदर है उसको बाकी पानी के मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींच रहे हैं, बाकी पानी के मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचते जा रहे हैं, राइट, नेट फोर्स इसके ऊपर क्या आएगी, जीरो, और ये इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। लेकिन जो मॉलिक्यूल ऊपर है इसको साइड पे पानी का मॉलिक्यूल खींच रहा है, साइड पे पानी का मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल, लेकिन ऊपर क्या है, एयर, एयर का मॉलिक्यूल भी इसे खींचेगा, पर एयर में, एयर और वाटर, एयर और पानी के मॉलिक्यूल में उतनी फोर्स नहीं है जितनी पानी और पानी के मॉलिक्यूल में है। तो ऑब्वियसली ऊपर वाला सरफेस वाला मॉलिक्यूल थोड़ा सा
नीचे आ जाएगा, राइट right? नीचे आ गया तो जितने भी सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, ऊपर से हवा खींच रही है, हवा खींच नहीं पा रही, पानी खींच पा रहा है, थोड़े से नीचे हो जाएंगे। अब नीचे तो और पानी के पार्टिकल्स हैं, तो पानी की सरफेस थोड़ी टाइट हो जाएगी, इट विल एक्ट लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, थोड़ी टाइट हो जाए, सॉलिड तो नहीं कहेंगे बट प्योर लिक्विड भी नहीं कहेंगे, लिक्विड की सरफेस मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करनी स्टार्ट कर देगी। क्लियर यहां तक? मैंने एग्जांपल बहुत पहले यूनिट्स में दिया था कई बार कि मॉस्किटो फ्लाई को तैरना नहीं आता, फिर भी पानी खड़े पानी के अंदर बैठे होते हैं, वो डूबते नहीं है क्योंकि उनकी सरफेस एकदम रुकी हुई है और उनके मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल खींच नहीं पा रहे, पानी पानी ने खींचा हुआ है, तो वो टाइट हो जाते हैं और टाइट होने से वो मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करते हैं, मॉस्किटो जाके बैठ जाएगा, डूबेगा नहीं, आप हिला दो पानी फिर वो डूब जाएगा क्योंकि सरफेस टेंशन वहां पर अब खत्म हो गई। पॉइंट क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे इसमें मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं? सब पानी और पानी की खींचने की फोर्स है जो सब रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, क्योंकि नीचे का पानी ऊपर के पानी के मॉलिक्यूल को खींचेगा ही खींचेगा और एयर खींच नहीं पाएगी, तो सारी गेम इसी की है। तो वाटर वाटर के मॉलिक्यूल की फोर्सेस जीत जाती हैं, विन करती हैं और इकट्ठे हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? सो और अगर मैं इस चैप्टर में ये बोलूं कि पानी की सरफेस है, पानी की सरफेस है, लिक्विड की सरफेस है, अब सरफेस कितनी है? 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 2 mm, 5 mm, कितनी, कितने मॉलिक्यूल लूं एक सरफेस? जब मैं बोलता हूं पानी की सरफेस है तो सरफेस में कितने मॉलिक्यूल लूं? 1 लाख, 2 लाख, 2, 4, कितने? तो इसने मेंशन किया हुआ है, सरफेस का मतलब होता है, सरफेस मींस 10 to 15 मॉलिक्यूलर डायमीटर। ये तो मैंने बहुत बड़े बनाया है, पानी के मॉलिक्यूल तो कुछ भी नहीं होते होंगे, तो जितने 10 से 15 मॉलिक्यूल का डायमीटर होता है उसके अंदर जो जो पार्टिकल्स या जो जो मॉलिक्यूल्स आते हैं उसको बोलते हैं पानी की सरफेस है वो। तो सरफेस स्टैंड फॉर 10 to 15 मॉलिक्यूलर डायमीटर्स। क्लियर यहां तक? तो मतलब अगर कोई ये सोचे कि सर कितने मॉलिक्यूल हूं, पानी की सरफेस है, सरफेस का मतलब कई लोग सोचते हैं पहला मॉलिक्यूल बस वही है सरफेस, नहीं, उसके नीचे भी कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस को कंसिस्ट करते हैं। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? सो ये मैंने एग्जांपल दे दिया आपको कि एक लाइन ड्रॉ करो सरफेस के ऊपर और लाइन के अंदर दो जो लाइन के इस तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, लाइन के इस तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले मॉलिक्यूल इसको इधर खींच रहे हैं और ये वाले मॉलिक्यूल इसे इधर खींच रहे हैं, तो स्ट्रेचिंग हो रही है जिस वजह से सरफेस स्ट्रेच होती है और सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करती है। ठीक, और ये वाला एग्जांपल मैंने दे दिया आपको रिंग वाला, ये एग्जांपल मैंने दिया आपको, ये स्लाइडर इसलिए ऊपर गया क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से या मॉलिक्यूल जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वही इस स्लाइडर को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। सो नेक्स्ट है इसमें, ये एग्जांपल आपको ये बता रहा है कि अगर जो अगर आप एक रॉड को पानी में डिप करते हो तो वो गीली हो जाती है, पर अगर मरकरी में डिप करते हो तो वो गीली नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि रॉड के और पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग होती हैं। ग्लास जो है, रॉड जो है, उसका मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेता है, स्ट्रांग फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज या एडहेसिव फोर्सेज, तो उसे खींच लेता है और पानी चिपक जाता है। मरकरी के अंदर क्या होता है, देखो जब आपने रॉड को पानी में डाला था तो दो मॉलिक्यूल हैं, एक पानी के मॉलिक्यूल है और एक रॉड और पानी का मॉलिक्यूल है। ये आपने डाल दिया रॉड को इसमें, ये आपने रॉड को इसमें डाला, ये रहा, तो एक रॉड का मॉलिक्यूल है और एक वाटर का मॉलिक्यूल है, राइट। पानी और पानी का मॉलिक्यूल की फोर्स कम होती है और रॉड और पानी के मॉलिक्यूल की फोर्स ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली ये पानी का मॉलिक्यूल इसे पकड़ नहीं पाएगा, कम पकड़ पाएगा, रॉड इसे ज्यादा खींचेगी तो चिपक जाएगा, रॉड गीली हो जाएगी। लेकिन अगर यही चीज मरकरी में होगा, मरकरी के एटम की फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है, मॉलिक्यूल की फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है, तो मरकरी को बहुत तेजी से खींच के रखती है, और अगर आपने रॉड को आपने डिप किया और बाहर निकाला, मरकरी की इतनी स्ट्रांग फोर्स है कि रॉड उस मरकरी के मॉलिक्यूल को खींच नहीं पाएगी, इसलिए सूखी रॉड बाहर आ जाएगी, कोई भी उसमें वो गीली होती नहीं, आप हाथ डालोगे आपका हाथ भी सूखा हो गया जाएगा, उसमें चिपक ही नहीं सकती मरकरी, क्योंकि मरकरी को बहुत स्ट्रांग फोर्स से खींच के रखती है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? मैं लिखता भी हूं पेन से, तो पेन की जो इंक है, इंक के जो मॉलिक्यूल्स हैं और बोर्ड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, इसलिए बोर्ड पेन चल पा रहा है, नहीं तो क्यों चलेगा, नहीं तो इंक रखूंगा यहां पे वो चिपकेगी नहीं इसके साथ, सारी गेम, पेंट क्यों चिपकता है दीवार पे, एडहेसिव फोर्स
मटेरियल ऐसा है उसको चिप चिप वो चिपका रहेगा बेसिकली, क्लियर यहाँ तक? तो ये सारी गेम उस तरीके से, वो महंगा पेंट होगा तो और ज़बरदस्त तरीके से चिप चिपकेगा, तो रेट बढ़ा देंगे, वो हल्का होगा, उनको पता होता है यार कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं उनका, लोग को काम केमिस्ट्री का यही है, ठीक? तो रेट बढ़ाएगा, तो यूनिट्स हैं सरफेस टेंशन के, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का मतलब न्यूटन पर यूनिट लेंथ, रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, रेंज का मतलब है, रेंज का मतलब है कि अगर मैं एक पानी का मॉलिक्यूल हूं तो मेरी एक लिमिट है कि मैं इतने मीटर तक, 10^-10 मीटर तक या 10^-5 मीटर तक दूसरे मॉलिक्यूल को खींच सकता हूं। मैं यहां पर बैठा हुआ तीसरे मॉलिक्यूल को तो नहीं खींच सकता, तो मैं यहां पे बैठ के पहले मॉलिक्यूल को खींच सकता हूं, और मेरी मैक्सिमम दूरी कितनी है खींचने की, उसको मेरी रेंज बोला जाएगा। तो जो भी मेरी आर रेंज है उसके बीच में अगर कोई मॉलिक्यूल आ गया पानी का, उसको तो मैं खींच लूंगा, और जो मेरी रेंज में नहीं होगा उसको मैं नहीं खींच पाऊंगा, ये रेंज होती है, ठीक? सो सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये मैंने आपको बता दिया। मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये पूरा जो लिखा हुआ है ये सब यही मॉलिक्यूलर थ्योरी डिस्कस की गई है, कि कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वो पानी के अंदर ही होते हैं, और पानी के अंदर पानी से ही घिरे होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल से ही घिरे होते हैं, तो नेट फोर्स उनके ऊपर जीरो हो जाती है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब पानी का मॉलिक्यूल किसके कॉन्टैक्ट में आता है, एयर के मॉलिक्यूल के साथ कॉन्टैक्ट में आता है। तो अगर पानी का मॉलिक्यूल एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पानी का मॉलिक्यूल उस पानी के मॉलिक्यूल को तो खींच लेगा पर एयर का मॉलिक्यूल उसे खींच नहीं पाएगा, क्लियर है यहां तक? तो पानी का मॉलिक्यूल पानी को खींचेगा पर एयर का नहीं खींच पाएगा, जिस वजह से सरफेस टेंशन का एक रीजन एग्जिस्ट करता है। मतलब वो तो रीजन एग्जिस्ट करता ही है खींचने वाला सरफेस के ऊपर, साथ में ये भी करता है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो सरफेस टेंशन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है यहां तक? तो ये पूरी थ्योरी है, और कुछ एप्लीकेशन है और आंसर दिया गया है एप्लीकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन, और उनके अंदर से पहला एग्जांपल है हेयर ब्रश। हेयर ब्रश अगर आप पानी में डालते हो तो इस तरीके से फ्लोट करता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर आप कहां पे डालते हो उसको हवा में ले आते हो इस तरीके से, तो वो चिपक जाते हैं उसके, वो राइट, उसके हेयर चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर पानी का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी पानी के मॉलिक्यूल जा चुके हैं, और हर पानी के मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स क्या होगी, जीरो, टेंशन नहीं, उसको आराम से वो फ्लोट करेगा। जैसे ही बाहर आते हो, बाहर क्या आ गए, मीडियम क्या है, एयर, तो यहां पर क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स, अंदर क्या है, पानी के मॉलिक्यूल। अब पानी का मॉलिक्यूल अपने पानी के मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा फोर्स से खींच रहे, तो ये बंद हो गया, और एयर उतनी तेजी से खींच नहीं पा रही, जिस वजह से तरफ आ गया, गीला है ना पानी, पानी को ज्यादा तेजी से खींचता है, तो ये टाइट हो गया, बाहर एयर नहीं खींच पा रही। अगर एयर खींच पाती ऐसे हो जाता, और अगर एयर और पानी की फोर्स बहुत स्ट्रांग होती फिर तो ये हवा में ऐसे उड़ता हुआ दिखता आपको, और पानी कंटेनर में कहाँ रहता, फिर तो उठा के वो उड़ाई देता, पर चलो ये नेचर का लॉ है कि ठीक तरह बनाया हुआ है कंटेनर में पानी रहेगा।
हम थे यहाँ पर एप्लीकेशन पे. सेकंड एप्लीकेशन है लिक्विड इन स्मॉल क्वांटिटीज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी आर फाउंड टू बी स्फेरिकल इन शेप. तो वो कहते हैं कि देखो जो लिक्विड है जैसे पानी का ड्रॉपलेट है, बारिश पड़ रही है, जो तो ड्रॉप बहुत ही छोटे हैं, बहुत छोटे का मतलब मास बहुत कम है तो वेट बड़ा कम है, क्योंकि जो बड़े ड्रॉप होंगे उनका मास इतना बड़ा होगा नीचे गिरते गिरते शेप ही चेंज कर लेंगे. देखो ना सेंटर ऑफ मतलब जो इतना ज़्यादा मास है कि वो गोल कैसे हो सकते हैं गिरते गिरते, तो वो लंबे हो जाते हैं क्योंकि वेट उनका नीचे एक्ट करता है, तो ऐसी शेप हो जाती है. पर जो बिल्कुल गोल जो होगा वो उसका मास बहुत कम होगा और इस तरीके से होगा. यार गोली क्यों होगा, क्यूबॉइड क्यों नहीं होगा, पानी टेढ़ा मेढ़ा गिर जाए, रैंडम शेप पे कुछ भी गिर जाए, सरफेस एरिया को मिनिमम करता है. कैसे मिनिमम करता है, ये मान लो पानी का ड्रॉप है, इसको लार्ज करके मैंने ये बना दिया थोड़ा बड़ा करके समझाने के लिए. अंदर पानी 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 के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, राइट. तो ये जो मॉलिक्यूल बाउंड्री पे हैं, अंदर वाले मॉलिक्यूल इसे हर तरफ से खींच रहे हैं और एरिया को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मिनिमम. एयर जो बाहर है वो इस पानी के पार्टिकल को नहीं खींच पा रही या बहुत कम फोर्स से खींच पा रही है, तो ऑब्वियसली एरिया अगर मिनिमम होगा तो शेप क्या एक्वायर हो जाएगी, स्फेरिकल. तो स्फेरिकल शेप होते हैं पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, क्लियर, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. ये कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी, एरिया को कम करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो ये सरफेस टेंशन हो गई आपकी. तो आपने ये बोलना है कि ये स्फेयर क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, राइट. और जैसे ये एग्जांपल पहले कर लेते हैं मोल्टन मेटल वाला. आपने एक आयरन को पिघला लिया, लोहे को पिघला लिया, और लोहे को पिघला के आपने पानी में डाल दिया ताकि वो ठंडे होके सूख जाएं और सॉलिड बन जाएं. छोटे 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 आपने जब उसके मोल्टन मटेरियल आयरन डाला तो क्या हुआ, तो उस केस में आयरन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़ा बना रहा हूं मैं, आयरन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाकी आयरन के मॉलिक्यूल्स को बाउंड्री वाले को खींच रहे हैं, और ड्यू टू सरफेस टेंशन एरिया को क्या कर रहे हैं, मिनिमम कर रहे हैं, तो शेप क्या एक्वायर करेंगे, स्फेरिकल. वाटर के मॉलिक्यूल की फोर्स इतनी नहीं होती कि वो आयरन के मॉलिक्यूल को खींच ले, इसलिए सरफेस टेंशन की वजह से वो अपना एरिया कम से कम करते हुए स्फेरिकल ही एक्वायर करेंगे. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक. वही रेन ड्रॉप वाला एग्जांपल है, रेन ड्रॉप में एयर और वाटर का के अंदर आयरन और वाटर का टेंशन. मोल्टन मेटल वाला एग्जांपल क्लियर हो गया. नेक्स्ट है मोल्टन मेटल से के बाद, ये एक एग्जांपल बुकलेट में गिवन है. आपने अगर देखा हो मरकरी, अगर मरकरी थर्मोमीटर में से निकले तो छोटे छोटे बॉल्स बन जाती हैं, थर्मोमीटर कभी टूटे मरकरी निकले ना तो सिल्वर कलर की बॉल्स बनती हैं. अब हाथ लगाते हो ना वो और छोटी बॉल बन जाती हैं, अब और हाथ लगाओगे और छोटी छोटी बॉल बन जाती हैं, और उनको जोड़ोगे फटाफट जुड़ भी जाती हैं, मतलब और हाथ गीला भी नहीं होता आपका, क्योंकि मरकरी की फोर्स बहुत ज़बरदस्त है, आपका हाथ का मॉलिक्यूल भी उसको खींच नहीं पाता, तो वो आपका हाथ भी गीला नहीं होता, नहीं तो नॉर्मल बाकी लिक्विड से आपका हाथ गीला होता है. बहुत सारे लिक्विड हैं जिसमें चिपक ही जाएगा, ज़्यादातर लिक्विड हाथ पे चिपकते हैं, तो हाथ की और बाकी मॉलिक्यूल में फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होती है, बट मरकरी एक ऐसा लिक्विड है पूरा जो है, डूब भी जाओगे तो भी सूखे भरा जाओगे, ठीक. सो ये मरकरी का काम है. आगे मरकरी के ड्रॉपलेट जितना छोटा होगा उतना स्फेयर दिखेगा, जितना बड़ा करते जाओगे, देखो अब बड़े में तो वेट फ्लैट होता जाएगा थोड़ा क्योंकि भार बढ़ता जा रहा है, तो ये शेप है स्फेरिकल शेप ही क्यों है, बिकॉज ऑफ सरफेस
टेंशन, क्योंकि एरिया क्या करेगा वो अपना कम करेगा, और एरिया कम करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है, तो वो स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लेगा। ठीक है यहां तक? तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी पूरे एग्जांपल से क्या समझ में आता है, कहां एग्जिस्ट करती है सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी? वहां एग्जिस्ट करती है जहां दो लिक्विड के मीडियम्स या दो मीडियम इकट्ठे होते हैं। क्योंकि अगर एक ही मीडियम होगा, मरकरी का मॉलिक्यूल मरकरी के अंदर जाके ढूंढोगे तो इट इज सराउंडेड बाय ऑल मरकरी मॉलिक्यूल्स, नेट फॉर जीरो, वहां थोड़ा कोई प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कहां पर है, जब पानी के ऊपर एयर है तो पानी पानी को ज्यादा तेज खींचता है, एयर खींच नहीं पाती, तो वो थोड़े टाइट हो जाते हैं। मरकरी मरकरी को तेज खींचती है, एयर खींच नहीं पाती, तो वो स्फेरिकल हो जाता है। तो जब दो मीडियम्स हैं और मीडियम वो किस तरीके से हैं कि जो इनकी इंट्रा मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस है वो तो बहुत स्ट्रांग है मरकरी जैसे सब्सटेंस की, और एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग नहीं है, तो ऑब्वियसली सरफेस क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। बस यही रीजन है सरफेस टेंशन होने का। यहां तक सो एक एग्जांपल है, ये नीडल वाला एग्जांपल है। नीडल वाला एग्जांपल में ये बताया गया है कि सपोज करो एक सरफेस है, सपोज ये लिक्विड का सरफेस है, ठीक, और ये एक तरीके से फ्लैट, लिक्विड का सरफेस है और तरीके से फ्लैट, ठीक। इस लिक्विड के और यहां पर सरफेस टेंशन है, मतलब ये एकदम खिंचा हुआ है। मतलब कैसे खिंचा हुआ, खिंचा हुआ समझते हो, जैसे अगर आप इसके ऊपर हाथ भी लगाओ ना हल्का सा, हाथ गीला नहीं होगा आपका, क्या हो जाएगा, ये दब जाएगी थोड़ी सी सरफेस, मेम्ब्रेन है ना, दब जाएगी। ज्यादा लगाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो गीला होगा ही होगा, फिर सरफेस टेंशन भी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल इक्विलिब्रियम स्टिल एकदम। तो हल्का सा हाथ लगाओगे तो जैसे नीडल किसने रख दी, जब नीडल रखी है, नीडल है, नीडल ऐसी है लेकिन दिखाई ऐसी हुई है, क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है सर्कुलर, तो नीडल को ऐसे रखा तो ये सरफेस दब गई, देखो ऐसी थोड़ी सी नीचे बेंड हो गई, राइट, ऐसे ऐसे, नहीं तो अगर ज्यादा भारी होगी तो गिर भी जाएगी, फिर तो बात ही खत्म हो गई। नीडल आर्किमिडीज के अकॉर्डिंगली तैरती तो है नहीं, अभी भी नहीं तैर रही, वो तो मेम्ब्रेन ऐसा है, ये मॉस्किटो वाला सेम एग्जांपल है, अगर पानी हिल रहा है फिर मॉस्किटो डूब जाएगा, अगर पानी स्टिल है और सरफेस टेंशन है, मॉलिक्यूल पास आए हुए हैं, फिर मॉस्किटो जाके बैठ जाएगा, उसको जगह मिलेगी क्योंकि मॉलिक्यूल सरफेस पे काफी पास हैं, तो बैठ जाएगा मॉलिक्यूल उसके ऊपर। बिल्कुल वैसी नीडल इसलिए टिक गई क्योंकि मॉलिक्यूल्स काफी पास हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट हुई हुई है सरफेस, सरफेस एरिया मिनिमम है, तो इस तरीके से आपने रखा, रखा कैसे था, अब ऐसे रखोगे तो हिल जाएगी पानी, देखो तो आप कहोगे नीडल रखी थी मैंने घर जाके वो तो डूबी जा रही है, आप एक्सपेरिमेंट करोगे आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप तो एक झटका मारोगे मॉलिक्यूल हिल जाएगा वो नीचे गिर जाएगी। तो कह रहे हैं ब्लॉटिंग पेपर लो, एक्सपेरिमेंट है लैब में किया हुआ है, ब्लॉटिंग पेपर हल्का सा पानी सोखता है तो उसके ऊपर नीडल रखो और फिर उसके ऊपर छोड़ दो उसे, बहुत देर तक ब्लॉटिंग पेपर अब्जॉर्ब करता रहेगा, खुद डूब जाएगा और सरफेस टेंशन खराब भी नहीं होगी, और फिर नीडल सरफेस के ऊपर आएगा पानी के, तो ये डायग्राम बन जाएगा। लैब में किसने किया होगा, तो ऐसे नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से ताकि पानी के मॉलिक्यूल कम हिले। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बन गया। सरफेस टेंशन की जो फोर्स होती है हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कैसे, यहां पर जो मॉलिक्यूल है यहां के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा, यहां का जो मॉलिक्यूल है पानी का, ये पानी के मॉलिक्यूल है नीचे ब्लैक वाले, पानी का मॉलिक्यूल इस पानी के मॉलिक्यूल को इधर खींचेगा, और यहां का पानी का मॉलिक्यूल यहां के पानी के मॉलिक्यूल को इस तरफ खींचेगा। अगर जैसे सरफेस फ्लैट होती, फ्लैट है और ये मॉलिक्यूल है, तो यहां का मॉलिक्यूल इसे यहां खींचता, यहां का मॉलिक्यूल इसे यहां खींचता, तो कहते हैं जो सरफेस टेंशन की फोर्सेस हैं वो सरफेस के साथ टेंजेंशियली एक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि पानी का, देखो अगर सरफेस एकदम फ्लैट है तो मान लो मैं वो पानी का मॉलिक्यूल हूं टॉप मोस्ट, तो मेरे ये वाला मॉलिक्यूल मुझे यहां खींचेगा, ये वाला मॉलिक्यूल मुझे यहां खींचेगा, तो नेट फोर्स मेरे ऊपर क्या जाएगी, जीरो। लेकिन टेंशन जो फोर्स है वो टेंजेंशियल एक्ट करेगी मेरे ऊपर, पानी की सरफेस के ऊपर। पर अब क्या हुआ, आपने सरफेस थोड़ी सी टेढ़ी कर दी, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा इलाज करूं तो शायद ऐसा डायग्राम दिखेगा आपको, ये ऐसा दिखेगा आपको, थोड़ा बड़ा करके बनाया मैंने ये। तो यहां के पानी के मॉलिक्यूल, ये जो लिक्विड के सॉलिड नहीं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहां फोर्स लगा रहे हैं और यहां के लिक्विड के मॉलिक्यूल इसको यहां खींच रहे हैं, तो सरफेस टेंशन की जो फोर्स है, सरफेस टेंशन की फोर्स है वो यहां एक्ट करेगी। लेकिन पहले कैसे एक्ट कर रही थी, ऐसे एक्ट कर रही थी दबाते ही, क्योंकि पहले वो ऐसे एक्ट कर रही थी फ्लैट में, जब नीडल को इसके ऊपर रखा सरफेस थोड़ी नीचे बेंड हो गई तो ऐसे हो गई।
तो इनका नेट फोर्स, दोनों सरफेस टेंशन की फोर्स का नेट वेक्टर कहां आएगा? अपवर्ड्स। तो नेट वेक्टर कहां आ गया? फ्रॉम पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और इज इक्वल टू व्हाट? वेट ऑफ द नीडल। तो बेसिकली ये नेट फोर्स अगर वेट ऑफ द नीडल को बैलेंस कर गया, फिर नीडल टिकी रहेगी, और जरा सा आपने पानी को हिलाया, सरफेस टेंशन की फोर्स आपने क्या कर दी? जीरो, क्योंकि मॉलिक्यूल हिल जाएंगे तो फोर्स कैसे लगेगी? लगेगी नहीं, मॉलिक्यूल हिलेंगे, सरफेस टेंशन जीरो, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जीरो, नेट फोर्स जीरो, नीडल गारंटेड डूबेगी डूबेगी, अब तो नहीं बच सकती, पर ये अभी फ्लोट नहीं कर रही, तैर नहीं रही, बट टिकी हुई है मेम्ब्रेन के ऊपर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि सरफेस टेंशन से कैसे हुआ? कोई डाउट इसमें? सो ये सब एग्जांपल्स हैं सरफेस टेंशन के, जो ये शो करते हैं सिर्फ इतनी सी बात कि अभी तक मैंने सिर्फ दो ही बातें बताई हैं, चाहे कोई भी एग्जांपल दे दिया हो मैंने, काम की बात सिर्फ दो ही है इसमें। पहली काम की बात कि सरफेस टेंशन टी से या सिग्मा किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला कितनी फोर्स अपॉन कितनी लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। पहला स्टेप क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नंबर वन। नंबर टू, आपको ये पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी कि लिक्विड अपने सरफेस एरिया को बढ़ाता नहीं है, लिक्विड अपने सरफेस एरिया को हमेशा एरिया को बढ़ाता नहीं है। तो सारे एक्सपेरिमेंट ये शो कर रहे हैं, स्फीयर का बनना, स्लाइडर का ऊपर जाना, रिंग का में वो थ्रेड का दूर हो जाना, ये सब ये शो कर रहा है कि सरफेस एरिया बढ़ता नहीं है, सरफेस एरिया हमेशा कम ही होता है। दो बातें समझ में आती हैं यहां तक, डाउट इसमें? और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सरफेस एनर्जी, और फिर ये चैप्टर ऑलमोस्ट क्लोज है, क्योंकि फिजिक्स में होता क्या है, या फोर्स या एनर्जी, चैप्टर क्लोज हो जाता है इतने में। तो हमने जब स्टार्ट किया था तो फोर्स किया, फिर हमने वर्क पर एनर्जी में एनर्जी की, फिर हमने स्प्रिंग किया, स्प्रिंग की फोर्स की, स्प्रिंग की एनर्जी की, फिर बॉल को दीवार पर टक्कर मारी, बॉल ने कितनी फोर्स लगाई और बॉल ने कितनी एनर्जी लॉस की, है ना। ऐसी और जब जब कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, सबके पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन की, या ग्रेविटेशन फोर्स की, ग्रेविटेशन एनर्जी की, तो रोटेशनल में रोटेशनल की टॉर्क की, या रदर फोर्स से टॉर्क और फिर रोटेशनल एनर्जी, और ऐसे ही अब इसके, और हमने तो लिक्विड की भी एनर्जीज की, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, और अब हम लास्ट करने जा रहे हैं सरफेस एनर्जी। तो बहुत सारी एनर्जीज हैं, अब ये सरफेस एनर्जी क्या चीज़ है इसको देखते हैं। सरफेस टेंशन की वजह से एनर्जी इज सरफेस एनर्जी। अब मैं बताता हूँ ये चक्कर है क्या। अब देखो, एनर्जी वर्ड कहाँ से आता है, मैं आपको बड़े ईजी एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने एक ईंट को उठाना है, और ईंट को या ब्रिक को आपने ऊपर उठाया, ब्रिक नहीं आना चाहती ऊपर, पर आप जबरदस्ती उठाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? वर्क डन करोगे, जितना भी वर्क डन करोगे वो स्टोर हो जाएगा उसमें इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यही कॉन्सेप्ट है एनर्जी का। एनर्जी भरती ही तब है जब आप अगेंस्ट नेचर काम करते हो, चाहे स्प्रिंग नहीं खींचना चाहता, आप जबरदस्ती खींचते हो, कोई ब्रिक नहीं जाना चाहती हाइट पे, आप लेके जाना चाहते हो, तो आप वर्क डन करते हो, वहीं उन चीजों को छोड़ दो, वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आने की कोशिश करती है। यही रूल है, इसके अंदर भी यही रूल है। अब हम सरफेस एनर्जी या वर्क डन की प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में ऐसे नहीं करेंगे कि आपने फोर्स लगाई, ब्रेक इधर से इधर चले गई, इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गई, आंसर वर्क डन आ गया, ऐसे नहीं करेंगे। अब वर्क डन किसी और तरीके का, अब आपने आराम से बैठना है कुर्सी पे और वर्क डन निकालना है, कैसे? बस आपने वो बच्चों वाला वो बबल वो ले लेना है, जो सर्फ में डुबो के बबल फुलाते हैं, फिर आपने एयर ब्लो करनी है हवा। आपको भी देखा, 2 सेंटीमीटर का बबल 5 सेंटीमीटर का हो गया, बच्चा कहेगा हाँ हो गया। आपको भी देखा, मैंने वर्क डन किया, मैंने काम किया, चाहे वो कहेगा सर आपने कुछ नहीं किया, कुर्सी पे बैठे हो, पर फिर भी आपने वर्क डन किया, वो कहेगा यार मैंने अपने मुंह से वर्क डन किया, तो वर्क डन तो किया, मेरी एनर्जी लगी। तो इसमें यही कैलकुलेशन होने वाली है। और सरफेस टेंशन क्या कहती है कि मैं एरिया को बढ़ने नहीं दूंगी, और आप कहते हो मैं एरिया को बढ़ा के छोड़ूंगा, तो ऑब्वियसली अगेंस्ट काम कर रहे हो आप, तो उसमें एनर्जी तो बननी ही है, क्लियर। तो आपको वर्क डन इसका मतलब करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन चाहती है कि एरिया कम हो, आप चाहते हो एरिया ज्यादा हो, तो ऑब्वियसली आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ऐसे केस में समझ में आ रहा है वर्क डन क्यों करना पड़ता है, क्लियर यहां तक? तो वो वर्क डन कैसे निकलते हैं, ये टॉपिक इसमें डील करेगा।
ठीक, तो आपने रेडियस कितना बड़ा कर दिया एक बबल को फुला के, या एक ड्रॉप बना दिया पानी का, उसमें कितना वर्क डन किया बनाने में, तो ये सारे जो टाइप के क्वेश्चंस हैं वो इस टॉपिक से सॉल्व होंगे। ठीक, तो मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ दो चार चीज़ें और क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि आपको और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कैसे, मैं एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। सबसे पहले सरफेस टेंशन को मैंने डिफाइन किया, और किस कॉन्सेप्ट से डिफाइन किया, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। अब मैं देखो, किसी ने कहा सर मैं ना सरफेस टेंशन निकालना चाहता हूँ, मैंने कहा हाँ बड़ी अच्छी बात है निकाल ले। तो वो कहता है कि कैसे निकालूँ, मैंने कहा फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो कहता है कैसे, मैंने कहा लाइन खींच ले कोई भी सरफेस के ऊपर, लिक्विड के ऊपर, लेंथ बता दे मुझे कितनी है, और फोर्स में तू मुझे बता दे कितनी लगाएंगे मॉलिक्यूल्स, फोर्स और लेंथ को डिवाइड करेगा आंसर आएगा। वो कहता है ठीक है जी, आगे सरफेस टेंशन। वो कहता है प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो लिक्विड लिया ना वो बबल की शेप में लिया, अब मैं बबल की सरफेस टेंशन कैसे निकालूं, मैंने बीकर में तो लिया ही नहीं, मैं लेंथ कैसे ड्रॉ करूं, स्फीयर की कौन सी लेंथ है मुझे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, मैंने कहा ये भी प्रॉब्लम जेन्युइन है, मैं कैसे बताऊं उसे। कह रहा मैंने पानी का ड्रॉप लिया, पानी का ड्रॉप अंदर से पानी भरा हुआ था, मुझे कहा गया सरफेस टेंशन निकालो, मैंने कहा ठीक है फोर्स बाय लेंथ, मैं लेंथ क्या लूं मुझे समझ में नहीं आ रही, तो एक प्रॉब्लम है। तो हम ऐसी प्रॉब्लम को फोर्स पर यूनिट लेंथ से सॉल्व करते ही नहीं है, हम ऐसी प्रॉब्लम को किससे सॉल्व करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको सरफेस टेंशन निकालने का एक और तरीका बताता हूं, और वो आसान तरीका है और मैक्सिमम यूज होने वाला तरीका यही है। जहां लेंथ पता हो वहां तो फर्स्ट मेथड फोर्स पर यूनिट लेंथ, जहां नहीं पता हो वहां दूसरा मेथड सरफेस टेंशन सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू वर्क डन, राइट, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया, या फिर एनर्जी रिलीज्ड डिवाइडेड बाय डिक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक, ये प्लीज दोनों डेफिनेशन लिख लो, मैं आपको समझाता हूं एग्जैक्टली कि क्या लिखा क्या है मैंने। देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ, ये डेफिनेशन यूज करनी है आपने, राइट। देखो इन डेफिनेशन को यूज करने से पहले ध्यान से देखो, सपोज आपके पास एक बड़ा ड्रॉप है मरकरी का बड़ा ड्रॉप है, तो लेट अस सपोज आपने इनको छोटे छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक कर दिया। तो नॉर्मली मरकरी का ड्रॉप क्या कैसे ब्रेक करते हो, हाथ मारते रहोगे ड्रॉप ब्रेक, छोटे छोटे ड्रॉप बनते रहेंगे। हाथ मारने का मतलब आप वर्क डन कर रहे हो उसके ऊपर, ऐसे तो नहीं कर सकते थे, तो आपने हाथ मारा और आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर वर्क डन कर रहे हो, और वो छोटे छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक हो जाते हैं। तो मान लो बड़े ड्रॉप का सरफेस एरिया 4π कैपिटल R स्क्वायर है, और छोटे ड्रॉप का इतना है, हर छोटे ड्रॉप का मान लो सेम है। तो कोई मुझे ये बताए कि
ये टोटल जो सम आएगा छोटे छोटे ड्रॉप्स का सरफेस एरिया का सम आएगा, एंड जो ये सरफेस एरिया आएगा इनमें से कौन बड़ा होगा, ये राइट साइड या अकेला लेफ्ट साइड, या फिर ये इक्वल होंगे क्योंकि पानी तो वही है। कितने लोग बोलते हैं ये ऐड करने पे सरफेस एरिया बड़ा आएगा, और वॉल्यूम के बारे में क्या ख्याल है, वॉल्यूम विल रिमेन सेम, वॉल्यूम सेम रहेगा। ओके, तो ये बिल्कुल सही है कि छोटे छोटे ड्रॉप का सरफेस एरिया हमेशा बड़ा होता है, राइट। तो जब मैं ये बोलता हूं कि मैंने बड़े ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप में तोड़ दिया, तो बोलो मैंने सरफेस एरिया को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, इंक्रीज किया। तो मैंने क्या किया, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, तो मैंने वर्क डन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, राइट। कोई डाउट इसमें? उसी तरीके से उल्टा केस है, मान लो आपके पास छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं और आपने इस बार उन्हें क्या कर दिया, कंबाइन। आपको कुछ करने की जरूरत क्या है, मर्करी के ड्रॉप्स पड़े थे आपके बहुत सारे, आपने उनको सिर्फ कॉन्टैक्ट में लेके आना है, बस जैसे ही वो कॉन्टैक्ट में आए अपने आप ही कंबाइन हो जाएंगे, उनको कंबाइन करने की जरूरत आपको है नहीं, आपको वर्क डन थोड़ा करना है उसमें कंबाइन करने के लिए, वो तो ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएंगे और आपको वर्क डन नहीं करना उसमें। तो पहले केस में आपने वर्क डन किया था तोड़ने में, जोड़ने में वर्क डन नहीं करना पड़ता, जोड़ने के केस में क्या बोलते हैं, एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, समझ में आ रहा है यहां तक। तो जब बड़ा ड्रॉप टूटता है तो वर्क डन करना पड़ता है, जब छोटे ड्रॉप मिलके बड़ा ड्रॉप बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, तो ये टर्म्स कब यूज करनी है समझ में आ रहा है? ठीक, जैसे अगर मैं एक सोप का बबल लेता हूं और अपने मुंह से एयर ब्लो करता हूं, उसको फुलाता हूं, तो बोलो मैं सरफेस एरिया को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, तो उसमें एनर्जी रिलीज थोड़ी ना होगी। जब कोई बड़ी चीज छोटी बनती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, सरफेस एरिया जब छोटा होता है तब एनर्जी रिलीज होती है, सरफेस एरिया जब बढ़ता है तो एनर्जी रिलीज नहीं होती, एनर्जी हमें वर्क डन करना पड़ता है या एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ती है, एक ही बात है। कोई डाउट इसमें? तो अगर मैं सपोज पहला एग्जाम्पल लूं, और सपोज करो एग्जाम्पल में मैं आपको कहूं कि टर्न इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, ऐसे में बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में तोड़ने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ा, मान लो वर्क डन कैलकुलेट कर दिया, इतना कर दिया, और डिवाइडेड बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, तो वर्क डन अपॉन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो एग्जैक्टली सरफेस टेंशन के इक्वल ही आएगा। ये डेफिनेशन है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन या एनर्जी, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा आएगा। अब थोड़ी देर के बाद मैं इसका प्रूफ करवाऊंगा आपको एक एग्जांपल के साथ, और आपको यह पता पड़ेगा कि एक एग्जांपल में जब मैं इन वैल्यूज को पुट करूंगा तो आंसर सरफेस टेंशन ही आएगा। अभी मेरे कहे पे आप ये लेके चलो कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करूं और इंक्रीज इन सरफेस एरिया को से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, लिक्विड की सरफेस टेंशन आएगी। उल्टा भी ट्रू है, अगर मान लो ऐसा न्यूमेरिकल आता है, मेरे को कोई कहता है कि ये छोटे छोटे ड्रॉप मिलके बड़ा ड्रॉप बन गया, तो ऐसे केस में क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज हुई, डिवाइडेड बाय कितना आपने सरफेस एरिया को डिक्रीज किया, अगर आप इन्हें भी डिवाइड करते हैं तो भी क्या आएगी, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन निकालने का पहला तरीका फोर्स पर यूनिट लेंथ, हर जगह नहीं चलता। तो अगर आपको रेडियस गिवन है किसी भी, या मान लो ऐसे केस में दोनों के रेडियस गिवन है आपको, बड़ा रेडियस आर भी छोटा रेडियस स्मॉल आर भी, तो आपके लिए कितना आसान है इंक्रीज या डिक्रीज इन सरफेस एरिया निकालना। और अगर आपको वर्क डन भी पता लग जाए तो आप उस लिक्विड की क्या निकाल सकते हैं, सरफेस टेंशन। तो ये उस स्टूडेंट का आंसर है जो मुझे इस चैप्टर में पूछा जाए टेंशन, और आपको इस चैप्टर भी नहीं पूछा जाएगा टेंशन, वो आपको सरफेस हमेशा देगा। आप इतनी आसानी से कैलकुलेट कर ही नहीं सकते स्फेयर के केस में, चलो इन केस आपको ये दो चीजें गिवन हो तो निकल भी जाएगी, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की प्रॉब्लम है, सरफेस टेंशन की वैल्यू हर लिक्विड की डिफरेंट होती है और हर लिक्विड की कांस्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि ड्रॉप बड़ा है ड्रॉप छोटा है तो पानी की सरफेस टेंशन चेंज कर दो, चाहे ड्रॉप छोटा है चाहे ड्रॉप बड़ा है सरफेस टेंशन की वैल्यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट ही रहेगी। वो तो बड़ा है तो एरिया भी बड़ा है,
छोटा है तो दोनों चीजें छोटी हैं, तो सरफेस टेंशन चेंज नहीं होने वाली। तो सरफेस टेंशन आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगी, आपको क्या निकालने को आता है, वर्क डन या एनर्जी रिलीज्ड। मैं करके दिखाऊंगा आपको, या तो आएगा फाइंड वर्क डन इन ब्रेकिंग अ बिग ड्रॉप इनटू स्मॉलर ड्रॉप्स, या आएगा फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन स्मॉल ड्रॉप्स आर कंबाइंड इनटू बिगर ड्रॉप। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? तो इस तरीके से चलेगा, ठीक है यहां तक? तो आइडिया समझ में आ रहा है। तो दो डेफिनेशन हो गई, एक सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एक सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक, सो अब मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट लेता हूं जिसमें आपको मैं वेरीफाई करके दिखाता हूं कि जो फॉर्मूला मैंने वो आपको बताया वो एब्सोल्यूटली करेक्ट है, वो सही है। कैसे, देखो जैसे सपोज करो आपकी बुकलेट में ये बना हुआ है एक डायग्राम, इस तरीके का एक स्लाइडर बना होगा। देखो जरा, ये फ्रेम है, ये स्लाइडर है, ये रहा स्लाइड कर सकती है रॉड ऐसे, और ये लेंथ एल है, ऐसा डायग्राम दिख रहा है, ये एक्स है, इस तरीके से कुछ बना होगा ऐसे ही है, ऐसा कुछ राइट, हाँ तो ऐसा कुछ के बनोगा राइट। ये सोप की फिल्म है ऐसे, टी इंटू वो टू इंटू टी एल ए की बात है, टू बार ले लिया, एग्जाम्पल के अंदर आपको एक ना ये इस से एक फ्रेम गिवन है राइट, ये फ्रेम को आपने सोप के फिल्म में डुबो दिया, सोप की फिल्म आ गई, आप ये सोप की फिल्म है, ये डैश का मतलब डिजाइन का मतलब सोप की फिल्म है आप पे। अब ये स्लाइडर इज फ्री टू मूव, आगे पीछे मूव कर सकता है, तो ये अगर स्लाइडर पहले यहां पर था तो ये फिक्स रॉड है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, और ये रॉड मूवेबल है अंदर बाहर, ठीक। तो क्या होगा, इधर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स, उनको इधर के पानी के मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचेंगे और अपने सरफेस एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, करेंगे इसको खींचने की कोशिश तो करते हैं रॉड को, पर रॉड तो फिक्स है, ये फ्रेम को, फ्रेम तो फिक्स है तो हिलेगा नहीं, रॉड हिल सकती है तो ये रॉड अंदर की तरफ आ जाएगी। क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट इसमें? पानी ने पानी को खींचा, रॉड अंदर की तरफ आ गई, ठीक है। अब किसने वर्क डन किया इस रॉड को एक्स खींचने में? मॉलिक्यूल्स ने, मैंने कुछ नहीं किया, मॉलिक्यूल ने खींच दिया, वर्क डन किया मॉलिक्यूल्स ने। फोर्स भी किसने लगाई? मॉलिक्यूल्स ने, ठीक हो गया। किसने कहा सर एक काम करो मेरे को एक्स तक स्लाइडर को वापस एक्स पे ले आओ? अब मुझे क्या करना पड़ा, मुझे फोर्स इधर लगानी पड़ी ताकि स्लाइडर वापस आ जाए। अब वर्क डन कौन करेगा इस रॉड को एक्स डिस्प्लेस करने में? हम करेंगे, ठीक है, हम करेंगे। और फोर्स भी कौन लगाएगा? हम ही लगाएंगे। तो कम से कम फोर्स कितनी लगाएंगे? जितनी मॉलिक्यूल ने लगाई। तो चाहे आप वर्क डन जब कैलकुलेट करोगे तो मुझसे पूछ लो कि सर आपने कितना वर्क डन किया, या मॉलिक्यूल से पूछ लो भी तुमने कितना किया, बात एक ही है। तो रॉड को एक्स डिस्प्लेस करने में अगर मेरा वर्क डन कैलकुलेट करना है तो मैं कहूंगा देखो मैंने इधर फोर्स लगाई, और अगर मॉलिक्यूल से बात करते हो तो मॉलिक्यूल कहेंगे मैंने रॉड को यहां खींच दिया, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का एग्जैक्टली सेम आएगा। तो समझ में आया यहां तक?
तो मेरी मर्जी है, मैं अपना वर्क डन कैलकुलेट करके अपनी कैलकुलेशन दूं या मैं मॉलिक्यूल्स का वर्क डन कैलकुलेट करके आंसर दूं, बात एक ही है। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? ओके, अब हुआ क्या, ये फोर्स की वैल्यू कैसे आती है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इमेजिन करो कि ये सोप की फिल्म है। ये सोप की फिल्म कितनी पतली होती है? बहुत पतली होती है, मेरे ख्याल से थिकनेस तो दिखती भी नहीं है, इतनी पतली है। कोई माइक्रोस्कोप लेके देखना शुरू कर दिया किसी ने, अब क्या हुआ, उसको लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल देख रहे हैं उसी फिल्म में। तो ये मेरा हाथ नहीं है, ये सोप की फिल्म है, बाहर निकाल ली मैंने, प्लीज ये था, या थोड़ा और बेटर कर देते हैं, ये सोप की फिल्म है, ये री बहुत पतली है, ये कॉपी नहीं देखनी, सोप की फिल्म है, ये मैंने बोर्ड से बाहर निकाल दी एक मिनट के लिए, ये देखो ऐसी है ये। तो अब ध्यान से देखना, बहुत पतली है, पर आपने इसको ऐसे देखना है कि ये यहां मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स हैं, सोप पानी के, सोप पानी से बना हुआ है, घोला हुआ है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। और यहां एयर है, हवा में रखी मैंने ये इधर, ठीक, हवा में है, और ये रॉड है, ये फ्रेम है, मॉलिक्यूल में इधर भी दिख रहे हैं मुझे। कोई कहेगा सर फिल्म तो बहुत पतली है, एक ही बात है इधर या इधर, एक बात नहीं है, जब आप अंदर घूमने जाओगे ना फिल्म के, मान लो इतने छोटे हो चुके हो मॉलिक्यूल जितने, आपको आपके जैसे लाखों दिखेंगे अंदर। तो यहां से जब एंटर करोगे ना, अंदर घूम घाम के फिर बाहर निकलोगे, तो यहां से बाहर निकलोगे, अंदर लाखों मॉलिक्यूल बैठे हुए हैं। तो ये फिल्म अलग है और ये फिल्म अलग है, तो ये सरफेस अलग है, ये सरफेस अलग है, इन मॉलिक्यूल्स का इन मॉलिक्यूल से कोई लेना देना है ही नहीं, है तो ये कि पानी के, पर ये दूर है। हमें लगता है कि सोप की फिल्म बहुत पतली है, लेकिन एक्चुअल में इनके बीच में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये बात इमेजिन कर पा रहे हो? सारी इमेजिनेशन। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। अब क्या आदत है सरफेस टेंशन की, कि एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो जो मॉलिक्यूल्स फिल्म के इस तरफ हैं, ये इस रॉड को, मान लो ये रॉड दिख रही है, ये रही, जो मॉलिक्यूल्स इस तरफ हैं वो इस रॉड को अपनी तरफ खींचेंगे, और जो मॉलिक्यूल इस तरफ हैं वो भी इस रॉड को इस तरफ खींचेंगे। तो यहां के मॉलिक्यूल अलग खींच रहे हैं, यहां के मॉलिक्यूल अलग खींच रहे हैं, तो एक्चुअल में दो सरफेस टेंशन एक्ट कर रही है, एक इस सरफेस पे जो एयर के कॉन्टेक्ट में है, और एक इस सरफेस में जो एयर के कॉन्टेक्ट में है। कोई कहता है सर अंदर अंदर के मॉलिक्यूल उसमें थोड़ा सरफेस टेंशन है, पानी के अंदर सरफेस टेंशन नहीं होती, क्योंकि पानी के अंदर तो पानी के मॉलिक्यूल घिरे हुए हैं, और पानी के मॉलिक्यूल पे जब फोर्स लगाते हैं तो नेट फोर्स क्या आती है, जीरो, वो नहीं मूव करेंगे। मूव कौन करेगा, किसको फर्क पड़ेगा, इनको फर्क पड़ेगा, वो क्यों, क्योंकि इनके पीछे पानी के मॉलिक्यूल इन्हें खींचते हैं और उस चक्कर में ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और ऐसे ये एयर के कॉन्टैक्ट में है तो एयर तो खींच नहीं पाती, पर अंदर का पानी खींच पाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सरफेस टेंशन वहां एग्जिस्ट करती है जहां पानी की सरफेस के साथ कोई और मीडियम हो, जैसे एयर मीडियम है, पानी के अंदर जाके सरफेस टेंशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहां भी करेगी, यहां भी करेगी, बीच में नहीं जाके नहीं करेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है यहां तक? तो किसी ने पूछा सर ये वाली सरफेस अंदर की तरफ हो गई थोड़ी सी, मैंने कहा बिल्कुल हो गई। उसने कहा ये वाली सरफेस, ये भी अंदर की तरफ हो गई। तो उसने पूछा कितनी अंदर की तरफ हो गई, तो मैंने कहा देख इसकी लेंथ एल है और ये एक्स है, तो एरिया आगे से कितना चेंज हुआ, एल इंटू एक्स, पीछे से भी कितना चेंज हुआ, एल इंटू एक्स, तो चेंज इन एरिया कितना आया, टू इंटू एल इंटू एक्स, ट्वाइस आएगा, ये चीज याद रखनी है। कोई डाउट इसमें? तो जो एरिया चेंज हो रहा है वो आगे से भी चेंज हो रहा है और पीछे से भी, ये समझ में आ रहा है? मतलब इमेजिन करो ये रॉड है, थोड़ा फिर से समझा देता हूं मैं, ये रॉड है, यहां पे मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स हैं पानी के इस तरफ, ये पूरी सोप की, पहले इमेजिन, पहले सही इमेजिन कर रहे हो ये फ्रेम कैसा है? फ्रेम बोर्ड के ऊपर नहीं है, फ्रेम फ्रेम जो है वो हवा में ऐसा रखा हुआ, मैंने सोप में डुबोया ऐसे है, तो आपको ये फिल्म में फिल्म दिख रही है यहां से, ठीक, पूरा बबल दिख रहा है, राइट। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और इधर से तो सेम दिखेगा, यहां से भी सेम दिखेगा, ऐसे देख लो, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ये भी, और सरफेस टेंशन दो जगह होगी, ये बात समझ में आती है, इधर भी होगी और इधर भी होगी, क्योंकि इधर अलग एयर कॉन्टैक्ट में, इधर अलग एयर कॉन्टैक्ट में, इधर के मॉलिक्यूल एयर खींच नहीं पाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इधर के मॉलिक्यूल को भी इधर की हवा खींच नहीं पाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो दो सरफेस टेंशन इसमें एक्सिस्ट करेंगे। क्लियर है यहां तक? तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो इस रॉड को अपनी तरफ ऐसे खींच रहे हैं, और ये वाले जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो भी इस रॉड को अपनी तरफ इस तरफ खींच रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहां का एरिया एल इंटू एक्स, यहां का एरिया एल इंटू एक्स, तो टोटल एरिया चेंज कितना माना जाएगा, ट्वाइस एल इंटू एक्स।
फिर मैंने यहां से पूछा, इन मॉलिक्यूल से पूछा तुम्हें फोर्स कितनी लगाई, ये बोलते हैं कि देखो बात है सरफेस टेंशन कितनी है सिग्मा, सरफेस टेंशन लिक्विड की सिग्मा, और सरफेस टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ कितनी चेंज हुई इसकी एक्स, या सॉरी एक्स नहीं एल, एल क्योंकि ये फोर्स कितने लेंथ पे लग रही है, एल लेंथ पे लग रही है, मॉलिक्यूल की फोर्स कितनी जगह पे लग रही है, एल लेंथ पे लग रही है। हमने क्या सीखा था, सरफेस टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगी फोर्स आ गई, पर ये तो आगे के मॉलिक्यूल की फोर्स आई, उतनी ही फोर्स अलग से पीछे के मॉलिक्यूल भी लगा रहे हैं, तो ये फोर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा ट्वाइस, ये मेरे पास क्या आ गई फोर्स आ गई, टोटल फोर्स आ गई आगे के मॉलिक्यूल्स की भी और पीछे के मॉलिक्यूल्स की भी, कोई डाउट इसमें, तो आगे के मॉलिक्यूल्स और पीछे के मॉलिक्यूल्स दोनों क्या लगा रहे हैं फोर्स, और ट्वाइस लगा रहे हैं। ये स्टेप समझ में आ रहा है, दो दो क्यों ले रहे हैं, अगला पोर्शन अलग ले रहे हैं पिछला पोर्शन अलग ले रहे हैं, कोई डाउट इसमें। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये इस केस में वर्क डन इन डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया, मॉलिक्यूल ने सरफेस एरिया को क्या किया कम किया, मैंने नहीं किया, मैं तो बढ़ाना चाहता था पर मॉलिक्यूल ने तो कम कर दिया, तो वर्क डन इन डिक्रीजिंग डिवाइडेड बाय डिक्रीज इन सरफेस एरिया। बोलो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितनी है मॉलिक्यूल की टू इंटू कितनी फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसमें एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या आई वर्क डन आ गया, डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया कितना हुआ टू इंटू एल इंटू एक्स, एक्स एक्स एल एल टू टू कैंसिल क्या आ गया सिग्मा। तो मैं वेरिफिकेशन करके बता रहा हूं कि अगर मैं वर्क डन अपॉन डिक्रीज इन सरफेस एरिया कैलकुलेट करूं तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आती है सरफेस टेंशन आती है, राइट right? तो ये वेरिफिकेशन है कि जो मैंने फॉर्मूला बताया वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्लियर यहां तक। और इससे एक और चीज पता लगती है कि सरफेस टेंशन दो दो भी लेनी पड़ सकती है, डिपेंड करता है, जैसे मैं और एग्जांपल से समझाता हूं कि दो और एक का चक्कर क्या है। जैसे सपोज करो, इससे ज्यादा समझ में आएगा, सपोज करो आपके पास एक देखो सपोज करो आपके पास एक देखो सपोज करो आपके पास एक एक ड्रॉप है, ठीक, एक पानी का ड्रॉप है, ये ड्रॉप है, ड्रॉप के अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल 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 दिख रहे हैं, बाहर मीडियम क्या दिख रहा है एयर दिख रहा है, एयर के मॉलिक्यूल इन बाउंड्री के पड़े हुए पानी के मॉलिक्यूल को नहीं खींच पाएंगे ज्यादा, पानी के मॉलिक्यूल खींच पाएंगे तो सरफेस के ऊपर क्या एग्जिस्ट करेगी सरफेस टेंशन करेगी, क्योंकि स्फेरिकल है और अगेन अंदर के पानी के मॉलिक्यूल खींचेंगे, एयर नहीं खींच पाएगी, सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करेगी, कहां करेगी पानी के अंदर करेगी नहीं करेगी, कहां करेगी सरफेस के ऊपर करेगी, पॉइंट नंबर वन क्लियर। मैं सेम एग्जांपल लेता हूं के साथ, एक सपोज बबल है, बबल के अंदर क्या है एयर, बाहर क्या है एयर एंड एयर, थोड़ा सा थिक करके दिखाता हूं, इसकी बाउंड्री की सरफेस थोड़ी थिक है, थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल ले रहा हूं मैं, थिन नहीं लेनी, मतलब थोड़ा ध्यान से देखोगे थिक है, पानी पानी दिखेगा आपको, इसमें मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल दिखेंगे लिक्विड के, कोई डाउट इसमें, ठीक, बबल इस तरीके दिखेगा आपको। तो यहां पर जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले, इनको अंदर के पानी के मॉलिक्यूल अंदर खींचेंगे, पानी को पानी खींचेगा पर एयर नहीं खींच पाएगी, तो यहां क्या एग्जिस्ट करेगी सरफेस टेंशन। फिर इधर के मॉलिक्यूल ले लो, जो इधर के मॉलिक्यूल हैं उनको अंदर के पानी के मॉलिक्यूल खींचेंगे पर एयर इन्हें नहीं खींच पाएगी, तो बाहर भी क्या एग्जिस्ट करेगी सरफेस टेंशन। अब एक चीज देखो, इस अंदर और बाहर की सरफेस में अंदर लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां की अलग, यहां पर सरफेस टेंशन अलग एग्जिस्ट करेगी, यहां सरफेस टेंशन अलग एग्जिस्ट करेगी, तो कितनी सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करेगी बबल के केस में दो,
अंदर की सरफेस पे अलग लगेगी, बाहर की सरफेस पे अलग लगेगी। समझ में आ रहा है यहां तक? ड्रॉप में एक लगेगी, क्योंकि ड्रॉप के अंदर तो पानी है, तो पानी पानी पे तो सरफेस टेंशन नहीं लगाता, लेकिन बाउंड्री तो एक ही रहेगी बाहर की, एयर और वाटर की, तो एक सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करेगी। समझ में आ रहा है यहां तक? और जहां दो एरियाज कॉन्टेक्ट में आते हैं एयर के, जैसे बबल का केस है, अंदर का एरिया भी एयर के कॉन्टेक्ट में है और बाहर का एरिया भी एयर के कॉन्टेक्ट में है, और कितनी सरफेस टेंशन है? दो। तो ऐसे केस में आप ये बोलते हैं कि इस केस में देयर आर टू फ्री सर्फेसेस, टू फ्री सर्फेसेस। तो कितनी फ्री सर्फेस हैं? दो फ्री सर्फेस हैं। फ्री सर्फेस का मतलब जो एयर के कॉन्टैक्ट में है। तो एक सर्फेस अंदर एयर के कॉन्टैक्ट में है, एक सर्फेस बाहर एयर के कॉन्टैक्ट में है, तो कुल मिला के दो फ्री सर्फेसेस हैं और दो सर्फेस टेंशन है। इस केस में कितनी फ्री सर्फेस हैं? एक, क्योंकि एक सर्फेस टेंशन है बाउंड्री के ऊपर, अंदर सर्फेस टेंशन नहीं है, तो एक फ्री सरफेस है। जो स्लाइडर वाला अभी एग्जांपल लिया था, ये वाला फ्रेम वाला, इसमें भी कितनी फ्री सरफेस है? एक ये वाली और एक इसके पीछे वाली। तो कितनी सरफेस टेंशन ली थी हमने? दो। दो सरफेस टेंशन का मतलब कितनी फ्री सरफेस है? दो। तो जिसमें दो टेंशन है उसमें दो फ्री सरफेस है, जिसमें एक सरफेस टेंशन है उसमें एक फ्री सरफेस है। जैसे आपके पास एक बबल है, एक बबल है, ये बबल आप पानी के अंदर ले गए, पानी के लो, पानी के अंदर ये बबल है, पानी के अंदर बबल का मतलब ये क्या है? अंदर एयर। तो अब यहां पर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, जो बाकी पानी के मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, ऑब्वियसली पानी से घिरा हुआ है, पर एयर का मॉलिक्यूल नहीं खींच पा रहा, ऑब्वियसली नहीं खींचेगा, तो सरफेस टेंशन यहां एग्जिस्ट करेगी, अंदर करेगी। अब बाहर तो पानी एयर रहा ही नहीं, तो बाहर क्या है? ऑलरेडी वाटर है। अब बबल जब पानी में होगा तो एक ही सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करेगी इसके अंदर, बाहर वाली अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाहर तो एयर रही नहीं इस केस में, पानी पानी से स्टार्ट हो गया मीडियम। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो कितनी फ्री सरफेस होगी इसकी? एक। तो कितनी सरफेस टेंशन कंसीडर करेंगे? एक। पॉइंट समझ में आ रहा है कि फ्री सरफेस का मतलब क्या है? तो दो सरफेस टेंशन जहां लगती है वहां दो फ्री सरफेस, जहां एक लगती है वहां एक फ्री सरफेस। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मेरे को कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा जिसमें मेरे को काउंट करनी पड़ेगी कितनी फ्री सरफेस है, इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। बबल में दो होती हैं, ड्रॉप में एक होती है, बबल जब पानी में जाता है तो एक होती है, खत्म है, क्योंकि क्वेश्चन आना स्फेयर के ऊपर ही है। सरफेस एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो तो चलो मैं शीट में लिख के लाऊंगा, पर मैं आपको साथ के साथ दो तीन क्वेश्चन बता देता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि हम फिर से एक बार करेंगे तो आपको पता हो कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट लगा क्या है। देखो, तो सबसे पहले एग्जांपल है, आपको क्वेश्चन आएगा कि सपोज ये छोटे छोटे ड्रॉप्स एक बड़ा ड्रॉप कंबाइन कर लेते हैं,
इसका रेडियस सबका स्मॉल आ रहा है, इसका कैपिटल आ रहा है, तो सबसे, और मान लो ये 8 ड्रॉप्स हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे इनके, आपको ना एक रेडियस गिवन होगा, दूसरा नहीं गिवन होगा, सबसे पहले वॉल्यूम इक्वेट करेंगे, 8 ड्रॉप्स का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, तो यहां से 2R इज इक्वल टू कैपिटल रिलेशन आ जाएगा, आपको क्वेश्चन में छोटा आर गिवन होगा, कैपिटल आर भी आ जाएगा। पहला काम कर लिया, ठीक। दूसरा वो कहेगा कि ठीक है इसमें वाटर की सरफेस टेंशन वो आपको दे देगा, गिवन है हमेशा की तरह। वो कहेगा बताओ जब ड्रॉप कंबाइन हुए और एक बड़ा ड्रॉप बना, तो आपने वर्क डन किया कि इसमें एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई, तो बोलो कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो क्वेश्चन नंबर ए आएगा फाइंड एनर्जी रिलीज्ड, तो आपने कितनी एनर्जी इसमें रिलीज की ये आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, टी या सिग्मा सरफेस टेंशन क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया, तो एरिया इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बोलो पहले एरिया कितना था 8 × 4π स्मॉल, अब कितना है 4π, तो यहां से एनर्जी रिलीज्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 8 × 4π r² − 4π R² तो ये आपके पास क्या आ गई, एनर्जी रिलीज आ गई, एक आंसर आ गया, कोई डाउट इसमें। फिर वो कहेगा कि पानी की डेंसिटी भी ले लो, फिर कहेगा कि ठीक है एनर्जी रिलीज हुई, इस ये एनर्जी गई कहां, सेकेंड पार्ट आएगा फाइंड जब ये कंबाइन हुए फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो बड़ा ड्रॉप है, बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। देखो कई बार क्या होता है जब ड्रॉप्स मिलते हैं, एक बड़ा ड्रॉप बनता है, जैसे ही बनता है वो हल्का सा हिलता है, हिलता है तो एकदम बनेगा तो एकदम मोशन होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो बेसिकली ये सारी एनर्जी जो रिलीज्ड है, जो आपने कहा कि एनर्जी इसमें क्या हो रही है, रिलीज्ड है, ये एनर्जी रिलीज्ड किस में आ जाएगी, बड़े ड्रॉप में, बड़े ड्रॉप का मास अगर कैपिटल एम है और उसको किसकी फॉर्म में मिल गई, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी रिलीज क्या होगी, जितनी एनर्जी रिलीज है वही इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। फिर कहेगा फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप, तो जब ये कंबाइन होते हैं, चलो एक काम करो बड़े ड्रॉप की वेलोसिटी निकाल दो, तो एनर्जी रिलीज का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आया, ये आया −4π R² इज इक्वल टू हाफ मास क्या है, डेंसिटी इंटू 4/3 πR³ इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, क्योंकि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बड़े ड्रॉप का, ठीक, और कैपिटल आर तो हमें पता ही है वहां से, तो यहां से क्या आ जाएगी वेलोसिटी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि एनर्जी की प्रॉब्लम कैसे आएंगी ड्रॉप्स में स्पेशली, कोई डाउट इसमें। ठीक है, ठीक है यहां तक, ओके। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ सकती है वो ये आएगी कि आप एनर्जी रिलीज, तो लेट अस सपोज आपने निकाल ली और एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी रिलीज हो गई, और आपने वहां से वेलोसिटी भी निकाल ली। हो सकता है क्वेश्चन ये ना आए, हो सकता है ये आए क्वेश्चन फाइंड इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बिग ड्रॉप, दैट इज कि जो बड़ा ड्रॉप बना वो हिला ही नहीं अपनी जगह से, पर एनर्जी कहीं तो गई, वो एनर्जी कहां गई, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज हो गया बड़े ड्रॉप का। तो जो भी आपने क्या किया, एनर्जी रिलीज जो आपने निकाली, ये एनर्जी रिलीज किसके इक्वल हो जाएगी, बड़े ड्रॉप के लिए mC∆T, सी फॉर स्पेसिफिक हीट गिवन होगा क्वेश्चन में, राइट। तो जो भी आपके पास ये एनर्जी आई 8 × 4π × r² − 4π R², मास की जगह 4/3 π R³ इंटू डेंसिटी इंटू डेल्टा टी, प्रॉब्लम क्या आएगी, ऑब्जेक्टिव में जे लगा होगा, जे का मतलब जूल इक्विवेलेंट होगा क्या, ये जो एनर्जी चलती है ये चलती है जूल में, और स्पेसिफिक हीट सी भी आएगा इसमें, सॉरी स्पेसिफिक हीट किस में चलती है, कैलोरी में। अब ये जूल चल पड़ा, ये कैलोरी चल पड़ा, ये तो मेल नहीं खाएगा, तो एक काम करेंगे जूल वाली टर्म को जे से डिवाइड करेंगे, अब ये किस में कन्वर्ट हो गई, कैलरी, ये भी कैलरी, ये भी कैलरी, अब यहां से डेल्टा टी कैन बी कैलोरी। मैं नेक्स्ट टाइम शीट में दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे आपको अप्लाई करना है इसमें, ठीक। तो इंक्रीज या डिक्रीज इन टेम्परेचर कैन बी
कैलकुलेटेड। तो आप देख सकते हो अपनी बुकलेट में ये एग्जांपल मैंने बताया बोर्ड पे करके कैसे किया, फिर उसके बाद मैंने आपको ये प्रूफ भी करके दिखाया। तो एक्सप्रेशन जो भी लिखा हुआ है बुकलेट में बोर्ड पे मैंने कर दिया प्रूफ, और नेक्स्ट जो है इसमें ये सब मैंने हटा दिया हुआ है, कुछ नहीं आई है, मैं शीट पर लिख के लाऊँगा। ये सब मेनिस्कस कैसे होता है ये भी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करना है हमने। आज हम क्या करेंगे, लास्ट दो टॉपिक एक्सेस प्रेशर। तो आज का टॉपिक यहीं तक एक्सेस प्रेशर। सो एक्सेस प्रेशर के अंदर देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट करते हैं एक्सेस प्रेशर। एक्सेस का मतलब फालतू प्रेशर। ये फालतू प्रेशर क्या चीज है समझाता हूँ, एक्स्ट्रा प्रेशर है। तो एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्सेस प्रेशर क्या होता है इसको एक बार समझते हैं। एक्सेस के अंदर होता क्या है कि मान लो एक बबल है, मान लो एक बबल है, एयर बबल है। बबल के अंदर क्या क्या कौन कौन से प्रेशर ऐड करते हैं इसको एक मिनट समझते हैं। सबसे पहले जैसी बबल बना तो यहां से एटमॉस्फेयर ये चाहता है कि ये दब जाए और ये फट जाए। एटमॉस्फेयर दबा रहा है ना, तो एटमॉस्फेयर तो हर चीज को दबाता है, वो बबल को भी दबाएगा। तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर की ये कोशिश है कि ये छोटा हो जाए, ठीक है। फिर सरफेस टेंशन भी एक्ट करती हैं, सरफेस के ऊपर अंदर भी करेंगी और बाहर भी करेंगी, जो एरिया को बढ़ाएंगी नहीं, वो भी क्या चाहेंगी, एरिया छोटा हो जाए। तो यानी कि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन या प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन जो भी होगा वो भी क्या करेगा, वो भी इनवर्ड एक्ट करेगा और इसको दबाने की ही कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि ये बबल छोटा हो जाए, ठीक है यहाँ तक। लेकिन अब क्या करोगे, आप एक बंद चीज को दबाते जाओगे, कंप्रेस करते जाओगे, अंदर वॉल्यूम तो उतना ही है एयर का, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अंदर प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो अंदर जो प्रेशर है वो डेवलप हुआ, जिसको पी इनसाइड बोलते हैं। ये डायरेक्शन इन दोनों के ऑपोजिट है। देखो ऐसे तो फिर कोई बबल पैदा होते ही वो तो मर ही जाएगा, क्यों, वो हुआ और उसने दबा दिया एटमोसफेयर ने, तो बबल टिक भी जाता है कुछ देर के लिए। क्यों, क्योंकि अंदर का प्रेशर सफिशियंट होता है कि बाहर के प्रेशर उसको और दबा नहीं सकते, राइट। यहां तक क्लियर है, रादर अंदर का प्रेशर काफी सफिशिएंट होता है, अदरवाइज वो फूलेगा ही नहीं। अंदर का प्रेशर ठीक ठाक होता है तभी वो बड़ा हो पाता है, लेकिन इतना भी नहीं बड़ा होता कि बड़ा ही होता जा रहा है, क्योंकि फिर उसको इक्विलिब्रियम में आना है और इक्विलिब्रियम में दोनों प्रेशर आपस में
इक्वल होंगे तो वो वहीं रुक जाएगा। कहने का मतलब कि जो इनसाइड का प्रेशर है वो उसको बाहर खोलने की कोशिश कर रहा है और वो चाहता है कि एरिया बड़ा हो जाए, जो सरफेस टेंशन का प्रेशर है वो चाहता है कि छोटा हो जाए, एटमोसफेयर भी क्या चाहता है छोटा हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम में क्या होगा, सारे प्रेशर बराबर हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अंदर का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से तो पक्का ही बड़ा होता है, पी आई माइनस पी नॉट। तो अंदर का प्रेशर बबल के एटमोस्फेयर प्रेशर से कितना बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ प्रेशर पी इनसाइड माइनस पी एटमोस्फेयर, दोनों के डिफरेंस को हम एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। ठीक, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक, तो ये हमने निकालना है। तो इमेजिन करते हैं, चलो सरफेस टेंशन तो जो करेगी वो तो करेगी, हम एक काम करते हैं, सरफेस टेंशन क्या चाहती है कि बबल छोटा हो जाए या ड्रॉप छोटा, कुछ भी, एक बार ड्रॉप करेंगे एक बार बबल करेंगे फिनोमेना सेम ही है, ड्रॉप या बबल छोटा हो जाए। अंदर का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से बड़ा होता है और वो चाहता है कि ड्रॉप बड़ा हो जाए। तो अंदर का प्रेशर बड़ा होता है और वो ड्रॉप को या बबल को बड़ा करता जाता है करता जाता है, कब तक, जब तक सरफेस टेंशन का प्रेशर उसे बराबर नहीं करता, वो बराबर हो जाएगा रुक जाएगा। मैं तो नहीं कर रहा हूं, तो मैं एक ही करके करूंगा, पहले सरफेस टेंशन को भूल जाते हैं, हम ये मानते हैं कि मान लो एक मिनट के लिए पहले ड्रॉप का केस ले रहे हैं, बबल का ही ले रहे हैं। ड्रॉप क्या होता है, जिसके अंदर भी पानी है बाहर एयर है, दो एयर नहीं है, अंदर वाटर है बाहर एयर है। तो अंदर का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से कितना बड़ा है, पी आई माइनस पी नॉट है, कोई डाउट? और मान लो इस प्रेशर ने क्या किया, मान लो एक मिनट के लिए कि रेडियस आर था, अभी सरफेस टेंशन लेके मत आना, रेडियस आर था और इसके प्रेशर ने इसको बड़ा कर दिया थोड़ा सा बाय डेल्टा आर। ठीक है, सरफेस टेंशन को बीच में बाद में लेके आएंगे। तो इसने कुछ काम किया, कुछ वर्क डन किया बड़ा करने के लिए, और क्या वर्क डन किया, इसने वर्क डन किया जो भी प्रेशर आया उसका डिफरेंस इनटू एरिया, और कितने एरिया के ऊपर काम हुआ, 4πr². तो प्रेशर का डिफरेंस इनटू एरिया का मतलब क्या हुआ, दिस इज दी आउटवर्ड फोर्स। तो ये नेट आउटवर्ड फोर्स है जो आपके ड्रॉप को क्या कर रही है, बड़ा कर रही है। तो और कितना बड़ा हो गया ये ड्रॉप आपका, बाय डेल्टा आर। तो आपके इस एक्सेस प्रेशर ने कितना काम किया, कितना वर्क डन किया, आप बोलेंगे दिस फोर्स इनटू एरिया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया गया ताकि इसका रेडियस डी आर से बड़ा हो जाए या डेल्टा आर से बड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा होगा नहीं, क्यों, और ये वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है ये बताओ, क्योंकि सरफेस टेंशन चाहती है कि एरिया छोटा हो, तो आप क्या चाहते हो, एरिया बड़ा हो, एरिया कितना बड़ा हुआ बाय डेल्टा आर, या रेडियस कितना बड़ा हुआ बाय डेल्टा आर, और ये वर्क डन किया जा रहा है अगेंस्ट वर्क डन बाय सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन नहीं चाहती, जैसे एक ब्रिक या ईंट नहीं चाहती कि उसको उठाया जाए, पर आप जबरदस्ती उठाते हो तो उसमें क्या स्टोर हो जाती है, एनर्जी। तो उसी तरीके जब आपने जबरदस्ती इसको बड़ा किया तो सरफेस टेंशन की फॉर्म में क्या स्टोर हो गई, एनर्जी। और कैसे, जो हमने अभी अभी फॉर्मूला किया, हमने क्या फॉर्मूला किया, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया या इंक्रीज इन एरिया, क्योंकि जब एरिया आप क्या कर रहे हैं इसमें, बढ़ा रहे हैं एक मिनट के लिए, तो आप इसमें एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, तो आप अपना वर्क डन जब बंद करेंगे तो वो सरफेस टेंशन को वापस दबा देगी। तो आपने कितना, आप जो सरफेस टेंशन की फॉर्म में एनर्जी कितनी स्टोर हुई, टी इंटू व्हाट, चेंज इन एरिया। तो एनर्जी सरफेस टेंशन की फॉर्म में कितनी स्टोर हुई, डी यू या डेल्टा यू, टी सरफेस टेंशन, एरिया कितना चेंज हुआ, नया एरिया माइनस पुराना एरिया, इसे आपने ओपन किया, डेल्टा आर बहुत छोटा है, डेल्टा आर का स्क्वायर तो और भी छोटा है, निगलेक्ट हो गया, 4πr² से 4πr² कैंसिल हो गया, और आपके पास बचा क्या, सिर्फ आपके पास बचा सिर्फ इतना। तो अब आपने क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन लेके आनी है, आपने जो वर्क डन किया, आपने जो वर्क डन किया वो ड्रॉप के अंदर सरफेस टेंशन की फॉर्म में क्या स्टोर हो गया, एनर्जी की फॉर्म में, और ड्रॉप वहीं रुक गया।
तो बराबर काम किया आपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, आपने कुछ नहीं किया, आपने डेल्टा आर जैसे कि एक्सपेरिमेंट है कि आपने मान लो इंक्रीज करके जस्ट ये प्रूव किया कि आपका वर्क डन और सरफेस टेंशन की एनर्जी एक ही बात होती है, तो दोनों का फॉर्म अलग है, दोनों को इक्वेट कर दिया, डेल्टा आर से डेल्टा आर क्या हो गया कैंसल, 8π 4π से कैंसल, एक्सेस प्रेशर क्या आएगा सॉल्व करके 2t/, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 2t/r, तो ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला हमेशा क्या होगा 2t/r, ठीक हो गया यहां तक। और अगर सेम क्वेश्चन किसके लिए आएगा, एक लिक्विड बबल के लिए, बबल के अंदर सरफेस टेंशन अंदर भी है, बबल के सरफेस टेंशन बाहर भी है, तो बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन, आपने वर्क डन उतना ही करना है जितना पहले ड्रॉप के केस में किया, वर्क डन तक आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा, एवरीथिंग इज सेम, लेकिन जब आप एनर्जी निकाल लेंगे सरफेस टेंशन की, सरफेस टेंशन की जब एनर्जी निकलेगी तो यहां पर आपको ट्वाइस करनी पड़ेगी, क्योंकि एयर या बबल के अंदर सरफेस टेंशन सिंगल नहीं होती, सरफेस टेंशन डबल होती है, तो ये इंपॉर्टेंट सर्कल करके इंपॉर्टेंट मार्क कर लो प्लीज, बस टू लगाना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि इसमें दो सरफेस टेंशन है, ड्रॉप में एक सरफेस टेंशन है, इसने भी वही काम किया, बबल आपने फुलाया तो जो आपने वर्क डन किया वो स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इक्वेट किया बट 2t/r की जगह 4t/r, एनसीईआरटी में आएगा ये 2t/r और 4t/r, कोई डाउट इसमें।